नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर जगदीश सख्या, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सख्या स्किन क्लिनिक। हमने काफ़ी वीडियो बनाए यूट्यूब फेसबुक के लिए और ये सोशल अवेयरनेस के लिए कि भाई क्या क्या डिजीज़ में, स्किन डिजीज़ में क्या कॉमन है, क्या क्या कर सकते हैं और आपको घर बैठे क्या क्या सोल्यूशन मिल सकते हैं। आज हम बात करेंगे डेंड्रप के लिए, क्योंकि डेंड्रप वर्ड कॉमन है परंतु इसका सोल्यूशन किसी को पता नहीं। आम पब्लिक में अगर 10 में से 5 को पूछेंगे आप क्या शैम्पू यूज़ कर रहे तो उसको पता नहीं है। तो ये शैम्पू कैसे चूज़ करना है इसमें डेंड्रप में, और इसकी डेंड्रप की दवाई क्या क्या है, वैसे डेंड्रप क्यों होता है। तो सबसे पहले डेंड्रप कुछ नहीं है, जो स्काल्प में जो डेड सेल होता है ना, जैसे हमारे फेस में कैसे ऑयल बनता है तो पिंपल्स बनता है, वैसे सेम प्रॉब्लम सेम रीज़न के लिए जो ऑयल स्काल्प में बनता है, क्योंकि सर में पिंपल्स नहीं होते तो जो ऑयल बनता है वो डेंड्रप के स्वरूप में ये बिखर जाता है। और हमारे स्काल्प में और पूरे बदन पे फंगस नॉर्मल रहते ही रहते हैं, परंतु जब ऑयल के कांटेक्ट में आता है तो वो फंगस का ग्रोथ बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं मेलेजिया फरफर। पर जो कॉमन जो फंगस होती है ये, अथवा पिटारिस्म ओवेले करके फंगस होती है, वो ये ऑयल के कॉन्टैक्ट में आने से स्काल्प में इरीटेशन करता है, आपको खुजली आती है और बहुत डेड स्किन। जब भी आप खुजली करते हो ऐसे सिर्फ करो तो काफ़ी वाइट फ्लैक जो आपके शर्ट में बनता है, जो काफ़ी टीवी के एड में बताते हैं, तो उसको आप डेंड्रप बोलते हैं और मेडिकल जो भाषा में उसको सिबोरिक स्काल्प बोलते हैं। सोरायसिस जैसा दिखता है पर वो सोरायसिस नहीं है। सोरायसिस में क्या होता है, एकदम थिक फ्लैक होता है, सिल्वरी वाइट फ्लैक होता है ये डेंड्रप में, और सिबोरिक स्काल्प में वो स्टिकी होता है, चिकना वाला होता है। ये सबको नहीं होता है, जिसकी ऑयली स्किन होता है इसको होने का चांस ज़्यादा होता है, जिसकी ड्राई स्किन होती है इसको इतना नहीं होता है। डेंड्रफ की वजह से क्या क्या होता है, जब ऑयल स्काल्प में ज़्यादा बनता है तो आपका बाल रुक्स कर देता है। ऐसा नहीं कि ऑयल बढ़ने से बाल आपका एकदम सिल्की रहेगा, उल्टा काम करता है ये ऑयल। जब बाल के कॉन्टेक्ट में आता है तो बाल का जो बोलता है ना उसको डैमेज करता है, लंबे समय ये फंगस बाल को भी डैमेज करता है। डेंड्रफ की वजह से पेशेंट का बाल भी जल्दी वाइट हो जाता है, जो अर्ली एज में जो प्री मेच्योर कैंडिडेटिस बोलते हैं, बाल जो वाइट होने का चांस है, जिसकी ऑयली स्किन होता है, ऑयली स्काल्प होता है, उसका चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक टाइप का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्काल्प के अंदर क्रिएट करता है। वो इन्फ्लामेशन की वजह से बाल को ब्लड सप्लाई मीन्स पूरा नहीं मिलता है, तो जो चीज़ को सप्लाई नहीं मिलता है वहाँ वो कुछ ना कुछ डैमेज करता रहता है, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से काफ़ी अनवांटेड चीज़ क्रिएट होती है और जो बाल के जो पिगमेंटेशन है उसको हार्मफुल रहती है, और बाल का आपका जो टेक्सचर होता है उसको फिर वो डैमेज करता है, जो आपको सिल्की होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये जीनेटिक होता है, काफ़ी लोगों को वारसागत रहता है, फादर मदर का स्काल्प ऑयली रहता है, फेस ऑयली, पिंपल्स बार बार होने का चांस रहता है, तो उसको ये आता है। दूसरा, जिसकी खाने पीने की हैबिट जो स्पाइसी बहुत खाते हैं, मीन्स जो फास्ट फूड जंक फूड जो खाता है, उसको भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, परंतु हमारे पास जो फैमिली में से जो बच्चे को लेके जो आते हैं कंप्लेन लेके, तो मेजोरिटी की हिस्ट्री ऐसी है कि वो जंक फूड फास्ट फूड बाहर का चीज़ ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी बहुत खाते हैं, जो बोलते हैं तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, तो इसी वजह से शरीर में गर्मी होती है। तो अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि ये फंगस की वजह से होता है और इसको हम डेंड्रफ नाम दिया है, इसकी वजह से बाल का रूट वीक हो जाता है, तो बाल गिरना भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसका डेंड्रफ ज़्यादा होता है उसका बाल गिरता भी ज़्यादा है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन की वजह से बाल का रूट वीक हो जाता है। वैसे हेयर फॉल का काफ़ी रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न डेंड्रफ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेंड्रफ की वजह से बाल गिरता है, काफ़ी चीज़ होता है ऑल टुगेदर मिला के आपको ये बनाता है। तो बाल वाइट होना, बाल गिरना, इचिंग होना, खुजली आना, अंदर लाल लाल फुंसी बनना, मुहासे जैसे कभी कभी बनना कॉमन है, ये हुआ सिम्टम। सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो पेशेंट अगर बड़ी उम्र का है और शुगर चेक करना चाहिए, शुगर से पता चले अगर ज़्यादा शुगर होता तो भी कॉमन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है, और आपको हो सके ऑयल अवॉइड करना, कोई भी ऑयल नहीं डालने का, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ इतना ऑयल है और आपने ऑयल ज़्यादा लगाया तो छिद्र और पैक हो जाएगा, तो छिद्र पैक होने से बॉडी अंदर से ऑयल ज़्यादा बनाता है। तो हो सके जिसका ज़्यादा डेंड्रफ रहता है उसको ऑयल नहीं, अगर फिर भी ऑयल डालना है तो 1 घंटे पहले रख के फिर उसको वॉश कर देना है। दूसरा कि ये जो एंटी डेंड्रफ जो लिक्विड आता है, किटेकोनोजल लोशन आता है अलग से, वो आपको ओवरनाइट लगाना और सुबह आपको वॉश कर देना, तो ये वन ऑफ द सेफ जो होता है किटेकोनोजल है, वो उसको स्टे ऑन लोशन बोलते हैं कि आप पूरे रात रख सकते हैं। फिर शैम्पू, मेडिकेटेड शैम्पू आप उसमें यूज़ करने का, शुरू में आप 5-6 दिन डेली, मेल में, फीमेल में 2x a week,
जैसे जैसे कंट्रोल में आता है फिर उसको आप ऑल्टरनेट ट्वाइस ए वीक एंड देन वंस ए वीक रखना। मेडिकेटेड शैम्पू डेली यूज़ मत करना। इसमें कॉमनेस जो शैम्पू है केटेकोनाजोल एंड जिंक पायरेथ्रिन, ये शैम्पू से क्या होता है कि जो फंगस का लोड होता है कम हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आपने ये शैम्पू एक दो बार यूज़ कर दिया और फिर आपको सोल्यूशन आ गया, क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, देन वंस ए वीक रखना। और शैम्पू दूसरी शैम्पू के माप लगा के तुरंत नहीं निकाल देना, इसकी इफेक्ट होने में 5 to 7 मिनट लगता है। तो जब भी शैम्पू लगाए रूट में थोड़ा मसाज करके 5 मिनट खड़े रहने का, फिर उसको वॉश करने का। और इसकी ओरल एंटी फंगल कैप्सूल भी आते हैं, अगर जो सीवियरिटी ज़्यादा रहती है जिसको शैम्पू से और लोशन से कंट्रोल नहीं रहता है, तो इसको आइट्राकोनाजोल और किटेकोनाजोल करके कैप्सूल आता है, वो आपको 10 दिन 15 दिन और कभी कभी पल्स थेरेपी में 3 महीना भी लेनी पड़ती है, डिपेंड ऑन सीवियरिटी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट तय करते हैं। और खाने पीने के लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, ऑयल नहीं एप्लीकेशन करना, वो भी हमने आपको बता दिया। तो ये सब इसका सॉल्यूशन है। बहुत किसी को सीवियर ऑयल या स्काल्प रहता है तो इसमें ओरल आइसोट्रेटिन कैप्सूल भी कभी देते हैं टू कंट्रोल द ऑयल प्रोडक्शन। तो ये सब दवाई खाने की दवाई बिना डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन नहीं खाने का, इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। आशा रखते हो कि ये आपको जो हमने बताया आपको यूज़फुल रहेगा, और आपके फ्रेंड को भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है आपको उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।